श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासरी गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की श्री वृंदावन धाम की श्री मथुरा धाम की मायापुर नवदीप धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की गंगा माई की यमुना माई की श्रीमती भक्ति देवी की श्रीमती तुलसी देवी की हरिनाम संकीर्तन की श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की श्री श्री राधा श्याम सुंदर की श्री श्री कृष्ण बलराम की श्री श्री निताई गौर सुंदर की समवेत भक्त वृंद की श्री श्री गुरु एम गौरांग की ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि प्रिय नमो महावदाज्ञाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हम लोग एक श्लोक की आवृत्ति करेंगे, प्राय सबको याद होता है यह श्लोक। ये श्रीमद् भागवतम के सातवें स्कंद के सातवां अध्याय होना चाहिए।
सप्तम स्कंद के सातवें स्कंद के पांचवें अध्याय का 23 नंबर का श्लोक 23। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, नवधा भक्ति का उल्लेख है एक श्लोक में। और नवधा भक्ति को बहुत प्रबल माना गया है। चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को समझाए हैं कि भजनेर मध्य सर्वश्रेष्ठ नवधा भक्ति। भजन के अनेक विधाएं हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ है नवधा भक्ति। क्यों कह रहे हैं? और कृष्ण प्रेम, कृष्ण दिव्य धारे महाशक्ति, एक नवधा भक्ति में बहुत भारी शक्ति है। वे भगवान के प्रेम को प्रदान करती है और भगवान को भी प्राप्त करा देती है। अभी हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु से साधन भक्ति के विषय में सुन रहे थे और उसका भी एक ग्रुपिंग किया गया है, जिससे भक्ति में मन के सहयोग की अपेक्षा है, मन से संबंध है, और उसको एक जगह लिखा गया है। और उसी क्रम में इस नवधा भक्ति के जो लास्ट तीन के श्लोक है, अगर तीन भक्ति है इस श्लोक के लास्ट में तीन भक्ति है और उसका भी उल्लेख है। क्रम यही तो हम लोग अब तक भगवान के कृपा का ईक्षण, भगवान की स्मृति, भगवान के ध्यान, तीन भक्ति के विषय में सुने। अब आज हम प्रयास करेंगे कि तीन भक्ति को और कवर कर लिया जाए। तीन तो बाकी ही रह जाएंगे क्योंकि थोड़ा समय कम हो गया। वह पांच सत्र का था, एक डिलीट हो गया, एक मैं थोड़ा पीछे चले गए रिवीजन में। जो आज सबको जल्दी से अपने काम धंधा में जाना होगा, तो हम संक्षेप में तीन भक्ति को समझाने का प्रयास करें। तो अथ दास्यम, भक्ति के अंग में एक भक्ति है दास। दास के भाव को दास्य कहें,
एक प्रश्न होगा कि दास्य भक्ति का स्वरूप क्या है, और इसको बतला रहे हैं कि दास्यम कर्मार्पणम दस्य कैंकर्यम सर्वथा। दास्य भक्ति का दो स्वरूप है, एक को कह रहे हैं कर्मार्पण, अपने कर्म को अपने स्वामी को अर्पित कर देना, यह दास्य भक्ति है। जो भी हम कर्म कर रहे हैं और इसको भगवान को अर्पित कर देना, तो इसको दास्य भक्ति, और तस्य कैंकर्यम अपि सर्वथा। और दास्य भक्ति का दूसरा स्वरूप कह रहे हैं कि सर्वथा कैंकर्यम अपि तस्य, तस्य कैंकर्य, उनके कैंकर्य को दास्य भक्ति कहते हैं। कैंकर्य, ये कैंकर्य शब्द बना है किंकर, किंकर सर्वेंट को कहते हैं, नौकर को कहते हैं, और मूल अर्थ है किंकर भी, जो इस भावना में रहता है मैं क्या करूं, हमेशा आज्ञा के इच्छा में रहता है, हाँ छोड़ करके क्या क्या कर, उसको किंकर कहा जाता है, और उसी भाव को कैंकर्य कहा जाता है, किम करूं क्या करूं। तो यही जो कैंकर्य भाव है, इसी को दास्य भक्ति कहते हैं। और दास्य भक्ति का दो स्वरूप है, एक है कर्म का अर्थ और दूसरा है कैंकर्य भाव। अब दोनों पर विचार किया गया है और कह रहे हैं कि तस्मिन समर्पितम कर्म स्वाभाविकम अपि ईश्वर भवेत भागवतो धर्म ततः कम ततः कर्म किम उत्अर्पितम। स्कंद पुराण का श्लोक उद्धृत कर रहे हैं कि जो अपना स्वाभाविक कर्म उसको भी भगवान को अर्पित कर देते हैं तो भागवत धर्म हो जाता है। स्वाभाविक कर्म का अर्थ है कि वर्ण के अनुसार, आश्रम के अनुसार जिसका जो कर्म निर्धारित है, उस कर्म में लगा हुआ है, और उसी को संसारिक स्वाभाविक कर्म कहा जाता है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि जो अपना स्वाभाविक कर्म है अवर्ण आश्रम के अनुसार, और उसको भी भगवान को अर्पित कर देना, जो भागवत धर्म हो जाता है। तो फिर जो पहले से ही समर्पित है और उसके विषय में क्या कहा, स्वाभाविक कर्म वे अलग अलग वर्ण के लोग हैं, उनका अलग अलग कार्य है, और उसको भगवान को अर्पित कर देना, इसको भक्ति कहते हैं, दास्य कहते हैं। और कुछ कार्य है कि उसको अर्पित न करें और फिर भी वो भक्ति, लेकिन उसको भी अर्पित कर देना, और इसको दास्य भक्ति कहते हैं। तो कर्म है दो प्रकार का, एक जो हमारा स्वाभाविक कर्म है या जो भजन क्रिया है, इसको भगवान को अर्पित कर देना, यही दास्य का स्वरूप बतलाया गया है। ये कोई कोई व्यक्ति है कि अपने वृत्ति को समर्पित करते हैं, जो वर्ण आश्रम के अनुसार कार्य है उसको समर्पित करते हैं, और कुछ भक्त हैं कि अपने भक्ति को भी भगवान को समर्पित करते हैं। हम जगन्नाथपुरी में एक भक्त से मिले, वो कहे कि अब नियम रखता हूँ, जो भी जप करता हूँ
जाकर के ठाकुर जी को जगन्नाथ जी को अर्पित करता हूँ। संध्या को जरूर जाकर के अपने भक्ति को अर्पित करते हैं। तो यह बहुत उत्तम है। हम लोग श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु, यह श्लोक तो सबको याद है, लेकिन उसके साथ एक श्लोक और है, दो श्लोक होते एक यूनिट में है, दोनों का एक साथ अन्वय होता है। तो दूसरे में पढ़ते हैं ना, इति पुंसार्पिता विष्णु भक्ति नवलक्षण क्रियते भगवत तथा तन मन अधीतम उत्तम, इति पुंसार्पिता विष्णु। ये जो श्रवण कीर्तन है और इसको भी भगवान के अर्पित कर दिए, भगवान का अर्पित श्रवण कीर्तन है, तो इसको मैं सबसे उत्तम शिक्षा मानते हैं। अरे श्रवण कीर्तन तो कैसे भी करे वो मंगलकारी है, लेकिन उसको भगवान को अर्पित करके करते हैं तो यह उत्तम शिक्षा है, यह बहुत अच्छा है। अब एक आप लोगों को समस्या लग रही होगी कि भाई दोनों में अंतर क्या है, क्या उसका स्वरूप है। देखिए एक ठाकुर जी के समक्ष बैठ करके जप कर रहे हैं, श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, तो यह भगवान को अर्पित है। और कहीं तिलक उत्सव है वहां जाकर के भी कीर्तन करते हैं, लेकिन अब उसको तो विश्वार्पित नहीं कहा जाएगा। कुछ भक्त लोग हैं एक मंदिर में बैठ करके जप करते हैं, कुछ भक्त हैं एक सुबह टहलने के लिए निकलते हैं, मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं और उस समय जप करते हैं, वो भी अच्छा है। लेकिन उत्तम कौन है जो भगवान को अर्पित करके किया जाए, उसमें कोई दोष नहीं है। वो मॉर्निंग वॉक पर निकले जप कर रहे हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि इति पुंसार्पितम विष्णु, जो भक्ति भगवान को अर्पित है, अर्पित करके करते हैं, तो उसको हम उत्तम मान रहे हैं। तो अपने कर्म को भगवान को अर्पित कर देना और इसको दास्य भक्ति कहा गया। लेकिन अब इसमें एक विवाद है, जहां साधन भक्ति की बात है, उत्तमा भक्ति की बात है, तो वहां तो स्पष्ट उल्लेख है कि ज्ञान कर्माद्य अनावृतम, ज्ञान कर्म से अनावृत होना चाहिए, और कर्म कर रहे हैं उसको अर्पित कर रहे हैं, तो भक्ति तो जरूर है। लेकिन कुछ आचार्यों का मानना है यह शुद्ध भक्ति नहीं है, इसमें कर्म का मिश्रण है, भक्ति है कर्म का। और इसलिए एक ग्रुप है खास करके जो गौड़ीय आचार्य है, और इस दास्य के रूप में नहीं ग्रहण करते, वे दूसरा पक्ष है कैंकर्यम, और इसी को दास्य भक्ति का स्वरूप मानते हैं। और कर्म का अर्पण करना भी दास्य भक्ति है, लेकिन रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि जिनकी श्रद्धा कोमल है तो उनके लिए ये बात कह दी गई है। तो वास्तविक दास्य का स्वरूप है कैंकर्य भाव, और इसीलिए तो जो मन की भक्ति है वहां लिस्टिंग किया गया है ना, वही हम अपना कर्म करते हैं ठाकुर जी के लिए, कर्म करते हैं, सेवा करते हैं, तो इसको क्यों नहीं दास्य कहा जाएगा, ये भी तो दास्य ही है। लेकिन समझना चाहिए कि ये सब कर्म का उल्लेख है, दूसरी जगह अर्चन बंधन नहीं, अर्चन ये भक्ति है।
और वहां कर दिया गया है भाई ठाकुर जी के लिए जो कर्म कर रहे हैं तो वो तो अर्चन या बंधन के अंतर्गत आ ही जाता है, उसी को यहाँ फिर से गिना जाए तो ये तो डबल काउंटिंग हो जाएगा। तो जो ग्रंथकार है उनका अपना विचार है कि कैंकर्य भाव को ही दास्य भक्ति कहते हैं और इसके लिए श्लोक उद्धृत किए हैं, इहा जस्य हरेर दास्य कर्म मनसा गिरा निखिला स्वप्न अवस्था से जीवन मुक्त से उच्यते। जो चेष्टा कर रहा है इहा जस्य हरेर दास्य कर्म से मन से वाणी से तो वह किसी भी स्थिति में है तो वह व्यक्ति मुक्त है। और दास्य का स्वरूप है कैंकर्य भाव, अपने हृदय में अपने मन में इस भाव को जगाए रखना है भगवान के सेवक। भगवान के सेवा के लिए तत्पर रहना इसको दास्य भक्ति कहते हैं। मुख्यतः यह मन की वृत्ति दास्य भक्ति को सबसे अच्छा समझ सकते हैं हनुमान जी की भक्ति में। वे आचार्य दास्य भक्ति के आचार्य हनुमान जी हैं, तो उनकी एक प्रसिद्ध उक्ति है, यह अभिमान जान जनि भोरे मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ये जो अभिमति है कि मैं भगवान का सेवक हूँ, अभी हमारे स्वामी है, और इसे को दास्य भक्ति कहते हैं। मन में ये भाव उद्दीप्त रखना होता है कि हम भगवान के सेवक हैं, उनके सेवा के लिए तैयार रहना है, और इसको कहते हैं दास्य भक्ति। अब आगे कह रहे हैं कि अथक सख्य विश्वासो मित्र वृत्तिश्च सख्यम द्विविधम ईरितम। के विश्वास और मित्र के वृत्ति ये दो रूप में सख्य भक्ति को कहा गया है। सख्य भक्ति का अर्थ है भगवान पर विश्वास रखना, यह सख्य भक्ति। ये सख्य का एक गुण होता है विश्वास रखना, अपना कहीं मित्र है किसी दूसरे शहर में कुछ कार्य है तो मन में विश्वास रहता है हमारा तुम्हारा फ्रेंड है कर देगा, और जहां फ्रेंडशिप है तो विश्वास का भाव रहता है। तो भगवान पर विश्वास करना और यही सत्य का स्वरूप है। ध्यान रखना चाहिए कि ये जो साधन भक्ति की बात कही जा रही है तो इसका प्रैक्टिस करना होता है ना। जप के विषय में तो स्पष्ट है हरे कृष्ण 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 हरे हरे बोल रहे हैं, भक्ति हो रहा है, अर्चन कर रहे, भक्ति चल रहा है, लेकिन अब सख्य भक्ति का प्रैक्टिस कैसे करेंगे, इसका अभ्यास कैसे करेंगे। तो सख्य भक्ति का दो रूप दिया गया, एक विश्वास और दूसरा मित्र वृत्ति। मित्र वृत्ति मतलब मित्र का व्यवहार। तो एक मित्र का व्यवहार क्या होता है, देखिए मित्रों में देखा जाता है और जो थोड़ा सा टाइम मिलेगा एक साथ तो हो जाएंगे दोस्ती है, दोनों एक साथ घूमने के लिए निकल जाएंगे, एक साथ भोजन करते हैं। सखा का तो कोई कोई अर्थ करता है जो साथ साथ में खाए, एक साथ सोना पसंद करते। तो यही सख्य भक्ति है। और कुछ साधक है कि सख्य भक्ति का अनुशीलन करने के लिए भगवान के साथ ही खाट लगा करके सो जाते हैं, लेकिन
अब कुछ भक्त तो इसको अपराध मानते हैं, जो रागानुगा के उपासक है हम वो ऐसा कर दे, जो वैधि भक्ति में है तो ठाकुर जी के साथ ही सोए कि वो तो अपराध उसको हो जाएगा। और इसलिए है ये जो मित्र वृत्ति है तो वैधि भक्ति के लिए यह बहुत कठिन है इसका अभ्यास करना, और इसके मान्यता नहीं है। मान्यता है विश्वास, भगवान पर विश्वास रखना। अब इसके लिए द्रौपदी के उक्ति को उद्धृत कर रहे हैं महाभारत से, प्रतिज्ञा तो गोविंद नामे भक्त प्रणश्यति, इसी संस्मृत्य संस्मृत्य प्राण संधार याम्यहम्। भगवान गीता में बोल दिए हैं, एक प्रतिज्ञा किए हैं कि नामे भक्त प्रणश्यति, हमारे भक्त का नाश नहीं होता। अब द्रौपदी कह रही है कि मैं तो आपके इसी उक्ति पर विश्वास करके जीवन धारण कर रही, बहुत बहुत कठिनाई आ रही है लेकिन मन में विश्वास बना हुआ है आप पर, तो भगवान पर विश्वास रखना, तो इसी को सत्य भक्ति कहते हैं। भगवान पर विश्वास रखते हैं और दुनिया का कुछ महत्व नहीं देते, यह है सत्य भक्ति। और साक्ष्य भक्ति यह विश्वास को कहा गया है। और अब एक भक्ति है अथ आत्मनिवेदन, आत्मनिवेदन और आत्मा का निवेदन करना, आत्मा को भगवान को अर्पित कर देना, इसको कहते हैं आत्मनिवेदन। तो आत्मा का क्या अर्थ होता है? आत्मा का तो अर्थ शरीर होता है, आत्मा का अर्थ जीवात्मा होता है। तो आत्मनिवेदन दोनों रूप में स्वीकार किया गया, अपने देह को भगवान को अर्पित कर देते हैं तो यह हुआ आत्मनिवेदन। प्रसिद्ध पद है मानस देह गया जो कि छुट मोर है। जो भी हमारा तो अरूपी लोग तुगा पद है नंद, हम आपके चरण में अर्पित कर रहे हैं, तो यह है आत्मनिवेदन। अब एक समस्या आती है कि कैसे निवेदन करें, खास करके शरीर को निवेदन करना है, भगवान को अर्पित करना है तो कैसे अर्पित करें। जो व्यवहारिक पक्ष है अर्पण का तो यह है, वह यह है कि देह के भरण पोषण की चिंता न करना। सब लोग तो देह की चिंता कर रहे हैं ना, अभी जाड़ा शुरू नहीं हुआ है और तभी तक स्वेटर देखने लगते हैं, मफलर देखने लगते हैं। रोज तो देह की चिंता में लगे लेकिन देह की चिंता का त्याग कर देना, भरण पोषण का त्याग, भरण पोषण की चिंता का त्याग कर देना, और इसी को आत्मनिवेदन कहते हैं। एक उदाहरण दिया गया है कि जैसे कोई व्यक्ति पशु रखा है, कोई बैल रखा है, तो रोज चिंता रहती है, उसको भोजन देना है, पानी पिलाना है, चिंता रहती है ना। लेकिन पशु को किसी व्यक्ति के यहाँ बेच दिए, कोई दूसरा पशु व्यक्ति खरीद करके ले गया, किसी दूसरे के खूंटे पर चला गया, तो अब आप चिंता करते हैं नहीं चिंता करते हैं ना। अब तो जिसके यहाँ गया तो वो चिंता करे, तब
तो उसी तरह भगवान को आत्मनिवेदन करने का अर्थ है कि अपने शरीर और उपलक्षण से परिवार के भरण पोषण की चिंता न करना, इसको आत्मनिवेदन करना। बलि महाराज इसके आचार्य हैं। अब कथा प्रस्तुत करने का तो समय नहीं है, अब कथा से परिचित हैं कि भगवान उनसे तीन डग भूमि मांग रहे थे। उनके गुरु हैं शुक्राचार्य, कहे क्या रे रे ये ब्राह्मण नहीं है, ये विष्णु है, तीन डग में सब मिल लेगा। अब डायरेक्ट गुरु जी मना कर रहे थे। अब बलि महाराज थोड़े देर तक विचार किए और इसके बाद कहे कि ना हमको कुछ चिंता नहीं। शुक्राचार्य कहते कि सर्वस्वम विष्णुरे दत्वा मूढ़ कथम वर्तिष्यसे, अरे कैसे जीवन निर्वाह करोगे। एक बार विचार किए बलि महाराज, लेकिन निर्णय दे देना हमको इसकी चिंता नहीं है, हमें दरिद्रता से भय नहीं है, नरक से भय नहीं है। हमको भय इस बात से है कि कहीं कोई समाज में यह चर्चा न करने लगे कि भगवान के भक्त भी धोखेबाज होते हैं, और वे भी कोई वचन देकर के मुकर जाते हैं, और हमको इसकी चिंता है। हम वैष्णवों के निंदा को नहीं सह सकते, अब हमारी क्या दुर्गति होगी, दरिद्रता में प्राप्त होंगे, नरक में चले जाएंगे, हमारा परिवार खाए बिना मरेगा, इसकी चिंता हम नहीं। तो आत्मनिवेदनम भक्ति का सीधा सीधा स्वरूप है कि अपने देह देह के भरण पोषण की चिंता न करना, यही आत्मनिवेदनम भक्ति है। जो सक्षम भक्ति है और आत्मनिवेदनम भक्ति, इसका अभ्यास करना थोड़ा कठिन होता है। अपने देह की चिंता, अपने परिवार की चिंता पूरा पूरा छोड़ देना थोड़ा सा कठिन है ना। तो दो भक्ति को थोड़ा सा दुष्कर बतलाया गया, लेकिन ये भक्ति भाव भक्ति प्राप्त करने के प्राप्त कराने के साधन है, और इसका यथाशक्ति अभ्यास करना चाहिए। पूरा पूरा नहीं चिंता छोड़ पाए, जितना छोड़ सकते उतना तो छोड़ना चाहिए। वह देह की चिंता भरण पोषण उपलक्षण से देह की परिवार और चिंता का त्याग कर देना, यही आत्मनिवेदन भक्ति है। और फिर से एक बार सुन लीजिए, मन में भगवान का कैंकर्य भाव पोषित करना, यह अभिमति रखना, यह विचार बार बार उद्दीप्त रखना कि मैं भगवान का सेवक हूं, हमें उसी की सेवा में तत्पर रहना है, और इसको दास्य भक्ति कहते हैं। भगवान पर विश्वास रखना, इसको सच भक्ति कहते हैं। और अपने देह गेह के भरण पोषण की चिंता न करना, इसको आत्मनिवेदन भक्ति कहते। बहुत सारे भक्त हैं कि अपने विषय में कभी कुछ चिंता नहीं करते, कहाँ भोजन मिलेगा, कहाँ निवास मिलेगा, क्या कपड़ा मिलेगा, इसकी एकदम चिंता नहीं करते, और उनको विश्वास है कि भगवान देंगे। जो पशु खरीदता है वो प्राय प्राय खिलाता ही है, और कि संसार में तो लोग अपने कर्तव्य से चूक भी हो जाते हैं, लेकिन भगवान चूक नहीं होते हैं। ऐसे भक्तों के मन में तो विश्वास रहता है कि जो सारे संसार का भरण पोषण करता है, इसी से उनको जगन्नाथ कहते हैं ना, तो अपने भक्तों की कैसे उपेक्षा करते, भगवान भरण पोषण करते ही। ये चिंता तो हम लोग फालतू का करते हैं। कई पिता है, माता पिता है,
कि उनकी तो यह अभिमति होती है कि हम हैं तो हमारे बेटे का कैसे पालन पोषण होगा। अब एकदम बसा करके रखते हैं कि हम ही पढ़ा लेंगे खाने वाले, लेकिन ऐसा देखा जाता है कि कई एक विद्यार्थी हैं कि अपने माता पिता को जानते ही नहीं है और वे भी खूब अच्छा रंग ला देते हैं और भरण पोषण करने वाले भगवान है। और इससे ज्ञान को समझना कि भगवान ने ऐसे सृष्टि किए हैं कि किसी जीव से किसी जीव का पालन करा देंगे, जीव जीव से जीवन। ये माता पिता से पालन पोषण करा रहे हैं, भगवान ही करा रहे हैं, भगवान शक्ति दिए हैं ते माता पिता अपने बेटा बेटी का भरण पोषण कर रहे हैं। तो उनको यही अभिमति होना चाहिए कि हमसे भगवान करा रहे हैं और वे करने वाले ऐसा नहीं है। इस सिद्धांत को जन्म के सिद्धांत से समझ सकते हैं। जब बहुत माता पिता है उनको अभिमान है ना कि मैं जन्म दिया, खास करके क्रोध में आते हैं परंतु हम थोड़ा के जन्म होंगे और थोड़ा विचार कीजिए कि वही जन्म दिए हैं। जब माता पिता ही जन्म देने वाले होते तो कैक स्त्री पुरुष ऐसे मिलते हैं ना कि दोनों की इच्छा है कि संतान की प्राप्ति है, नहीं संतान मिलता है, ऐसा देखते हैं ना। जब वही जन्म देने वाले होते तो ऐसा नहीं होता है। कभी कभी देखा जाता है कि पति पत्नी दोनों की इच्छा है कि अच्छा अब दो लड़की हो गए एक लड़का हो गया, तब तक तीसरे नंबर पर भी लड़की ही आ जाती है। और कभी कभी कोई कोई सोचता है कि जब दो लड़के हो गए एक लड़की है तब तक लड़का ही हो जाता। वे जन्म देने वाले होते तो ऐसा नहीं होता ना। तो सच्चाई यह है कि उनके माध्यम से भगवान जन्म दे रहे हैं। तो जो जन्म पर सिद्धांत लागू होता है और वही सिद्धांत पालन के विषय में भी लागू होता है। वो माता पिता राजा के माध्यम से भगवान पालन पोषण कर रहे हैं और भगवान की क्षमता है कि किसी के द्वारा वो पालन पोषण करा दें। इस ढंग से सृष्टि का निर्माण किया तो आत्मनिवेदन भक्ति का स्वरूप है कि अपने देह के परिवार के भरण पोषण की चिंता न करना, और यह है आत्मनिवेदन भक्ति। हम लोग इस सत्र में भक्ति के साधन भक्ति के अंग पर कुछ विचार किए। प्रारंभ में ये बात आई थी कि अन्याभिलाषिता शून्य। साधन भक्ति का अर्थ है कि भक्ति के अतिरिक्त भगवान के सेवा के अतिरिक्त किसी दूसरे अभिलाषा का अभाव होना चाहिए। लेकिन एक प्रश्न खड़ा होगा कि भाई जिसके मन में अभी अनेक अभिलाषा है तो क्या वह व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकता है? एक सिद्धांत समझना चाहिए, भक्ति में सबका अधिकार है और जो भक्ति में लगा हुआ है वो इच्छा के साथ भक्ति में लगा हुआ है तो ऐसी बात भी नहीं है कि उसको भगवान का चरण कमल नहीं प्राप्त होगा। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि ये बात सही है कि भगवान जो व्यक्ति इच्छा प्रकट करता है, इच्छा करता है तो उसके इच्छा को पूर्ण करते हैं और उसके इच्छा को पूर्ण कर दी है तो यह कोई विशेष बात नहीं हुई। और कोई इच्छा करता है, कुछ प्राप्त करना चाहता है तो भगवान
तो उसको इतना देते हैं कि अब फिर उसको किसी से मांगना नहीं पड़ता है। तुलसीदास जी एक पद में गायक है, यही जाचक जाचकता जन जाए। अब भगवान से याचना करते हैं तो याचना की वृत्ति ही समाप्त हो जाती, याचना की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। तो भगवान ने अर्थित को जो हम चाह रहे हैं तो उसको तो प्रदान करते हैं, लेकिन केवल इतना ही नहीं प्रदान करते हैं। हम भगवान के चरण कमल को नहीं चाह रहे हैं, अनिच्छता स्वयं विधत्ते, हम इच्छा करें या न करें भगवान अपने से अपना चरण कमल दे देते हैं। इच्छा विधान उनका चरण कमल एक विशेषता है कि उससे संपर्क हो जाने पर तो संसार की इच्छा ही समाप्त हो जाती है। और प्रसिद्ध है श्लोक है श्रीमद् भागवतम का पंचम स्कंद का, कि सत्य ये बात सत्य है कि जो व्यक्ति कुछ इच्छा प्रकट करता है, कुछ चाह रहा है, तो उसके चाह को भगवान पूरा करते हैं। और अनिच्छता और जो संसार की इच्छा नहीं कर रहा है, भोग की इच्छा नहीं कर रहा है, तो उसको अपना चरण कमल प्रदान करते हैं। एक अर्थ है अनिच्छता का अर्थ है कि जो संसार की इच्छा नहीं करता है, जो निष्काम है उसको अपना चरण कमल देते हैं। लेकिन अब कुछ आचार्य हैं केवल इतने से सहमत नहीं है, उनका विचार है कि अनिच्छता वो संसार की इच्छा कर रहा है, भोग की इच्छा कर रहा है और भगवान की इच्छा नहीं कर रहा है, लेकिन वो इच्छा करे या न करे वो नहीं चाह रहा है, भगवान के चरण के तरफ उसका ध्यान नहीं है, लेकिन स्वयं विधत्त वे भगवान अपने तरफ से गिफ्ट दे देते हैं, उसके इच्छा को भी पूर्ण करते हैं और अपना चरण कमल भी देते हैं। ये भगवान की उदारता है। तो भक्ति कोई किसी भी प्रकार करे तो वह भगवान के चरण को प्राप्त करता है। और फिर एक प्रश्न होगा कि भाई कभी इच्छा त्याग करके क्यों भक्ति करे, और उसकी महिमा है। मान लीजिए कि किसी को दीनदयाल जाना है, मुगलसराय जाना है यहाँ से, और एक व्यक्ति जाकर के भगवान रोड ट्रेन पकड़ रहा है, और एक व्यक्ति यहाँ से कुदरा गया और कुदरा ट्रेन को पकड़ा, तो दोनों ही तो मुगलसराय पहुंच जाएंगे ना, लेकिन कुछ अंतर है ना। अब भगवान रोड में जाएंगे तो समय कम लगेगा, अब कुदरा होकर के जाए तो समय अधिक लगेगा ना, और उसको बुद्धिमान नहीं माना जाएगा। आखिर भगवान रोड ही आना है तो काहे को कुदरा जाएंगे, इसकी कुछ जरूरत है। और जब संसार के इच्छा का त्याग ही कराते हैं भगवान, तो थोड़ा अपने से त्याग करते हैं। अब जो व्यक्ति अपने से त्याग करता है, भगवान की इच्छा रखता है, तो भगवान का उसके प्रति विशेष ही ध्यान रखता है। और देखिए जहां तक भोग की प्राप्ति की बात है, मोक्ष की प्राप्ति की बात है, और किसी तरह कोई भक्ति कर रहा है वो आसानी से प्राप्त कर लेता है, लेकिन अब जब तक मोक्ष और भोग की स्पृहा है तो भक्ति के सुख का आस्वादन नहीं कर पाएगा। भक्ति परम आस्वाद्य है, ये अमृत स्वरूप है, और इसके आस्वादन के लिए अरूप गोस्वामी जो सिद्धांत दिए हैं भाव भक्ति की प्राप्ति के लिए, और उस समय उत्तमा भक्ति को स्थापित किए हैं,
और उसमें संसारिक भोग के इच्छा को शून्य रखा गया। और भक्ति अनेक प्रकार से प्राप्त करते हैं और मोक्ष मिल जाता है, भोग मिल जाता है, लेकिन भगवान के भाव भक्ति को प्राप्त करने के लिए जो भक्ति की जाती है, जिसमें भोग की या मोक्ष की इच्छा नहीं है, और उसी को साधन भक्ति कहा गया है। साधन भक्ति का अर्थ है कि जिसका लक्ष्य भाव भक्ति है, और भाव भक्ति कहीं से बाहर से नहीं आता है, नित्य सिद्ध से भाव से प्राकट्य हृदय साध्यता है, वह हृदय में प्रकाशित हो जाता है। अब हृदय में बहुत बहुत इच्छा बसी हुई है तो भाव भक्ति प्रकट नहीं होगा, उसका आस्वादन आप नहीं कर पाएंगे। पहले इच्छा समाप्त होगी तब भाव भक्ति का प्राकट्य होगा। तो अनादि काल से हम लोग संसार में पड़े हुए हैं, अब विवेक होते ही इधर से मुक्त होकर अपने स्वरूप की प्राप्ति करना यह बुद्धिमानी है। लेकिन इतना नितांत सत्य है कि यदि भोग की इच्छा भी है तो भक्ति का ही आश्रय लेना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में एक प्रश्न किया गया है कि मनुष्य का क्या कर्तव्य, खास करके जो म्रियमाण व्यक्ति है तो उसका क्या कर्तव्य है। इसका उत्तर दिया गया है कि भगवान के विषय श्रवण करना चाहिए, उनका कीर्तन करना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए। कार्य के रूप में, कर्तव्य के रूप में तीन सबसे बड़े साधन की स्थापना की है। लेकिन उसमें भी आप कोई प्रश्न कर सकता है कि भाई तीनों में कौन श्रेष्ठ है, कौन चक्रवर्ती सम्राट है। और इसका निर्णय सुखदेव गोस्वामी करते हैं कि एतत् निर्विद्य मानव इच्छता अकुतो भयम् योगिनां निपनिर्णीतम् हरेर नामान कीर्तनम्। जो व्यक्ति संसार की इच्छा कर रहा है, इच्छता या एतद् निर्विद्य माना, कुछ कुछ लोग हैं कि अब संसार का त्याग करना चाहते हैं। अब संसार का सर्वे करेंगे तो एक ग्रुप मिलेगा तो उसके मन में अनेक इच्छाएं हैं। अभी विज्ञापन देखता रहता है कहाँ नौकरी मिलेगी, प्लॉट देखता है कहाँ घर बना रहे, वो विवाह की इच्छा रखा, अभी संसार को बसाना चाहता है। तो ऐसे ग्रुप को कहेंगे इच्छता, और एक ग्रुप है निर्विद्य मानाना। कुछ कुछ लोग हैं कि अब संसार में सुख का अनुभव नहीं कर रहे, रोज योजना कर रहे कि कब समय आएगा जब घर गृहस्थी से मुक्त होकर कहीं एक जगह जाकर के भक्ति करे, कहीं अनुकूल स्थान पर जाकर के भक्ति करे। तो ऐसे ग्रुप को कहा जाएगा निर्विद्य मानना, वो संसार को त्यागना चाहते। और एक ग्रुप है योगिना, अब उनके मन में न त्यागने की इच्छा है और न पकड़ने की इच्छा है। अब ये योग में रमे हुए कोई भी ग्रुप हो, वो सबके लिए अकुतो भय, ऐसा पंथ जिसमें किसी प्रकार का खतरा नहीं है, कोई डेंजर नहीं। तो वह है हरे नामान कीर्तन, भगवान के नामों का हम कीर्तन करना, निरंतर कीर्तन करेगा। तो यह सबसे श्रेष्ठ मार्ग। दूसरी जगह कहा गया है कि अकाम सर्व काम हुआ, कोई कोई व्यक्ति है तो उसके मन में कोई कामना, और कुछ कुछ व्यक्ति हैं कि बहुत बहुत कामना है, और कुछ लोग हैं कि मुक्त चाह रहे हैं। कोई भी ग्रुप सबके लिए सलाह दे रहे हैं कि तिब्रेण भक्त योगे न यजेत पुरुष परम,
तीव्र भक्ति योग से भगवान की आराधना करें। वह तीव्र भक्ति योग का क्या अर्थ है? और इसमें ज्ञान का मिश्रण नहीं होना चाहिए, कर्म का मिश्रण नहीं होना चाहिए। आप लोग मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते कई एक लोग, और अब जिसमें मिलावट नहीं होता है तो उसका प्रभाव अधिक होता है। तो भक्ति में कर्म का मिश्रण कर देने से, ज्ञान का मिश्रण कर देने से इसका प्रभाव ढकने लगता है। जैसे सूर्य है और आकाश में बादल नहीं है तो सूर्य का किरण सीधे प्राप्त होगा, लेकिन बादल छा जाए तो सूर्य का किरण थोड़ा ढकने लगता है। तो उसी प्रकार ये कर्म और भक्ति, कर्म और ज्ञान ये भक्ति के प्रभाव को ढकने वाले हैं। और तीव्र भक्ति योग चाहे निष्काम है सकाम है और मोक्ष की इच्छा कर रहे हैं, तो सबके लिए विधान यही किया गया है कि तीव्र भक्ति से मतलब शुद्ध भक्ति से कर्म और ज्ञान का मिलावट के बिना उसी भक्ति से भगवान की आराधना करनी चाहिए। भक्ति सबके लिए मंगलप्रद है, लेकिन जितना ही वासना का अभाव है, भगवान की सेवा की लालसा है, तो उसी अनुपात में भक्ति के उत्कृष्टता स्थापित होती है। यह भक्ति का सिद्धांत है। अब जितना समय था और उसके अनुरूप कुछ कुछ बातों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। भक्ति सबके लिए है, लेकिन रूप गोस्वामी अब भक्ति के स्वरूप का निरूपण किए हैं, तो उसका अध्ययन करना, उसका श्रवण कीर्तन करना, यह अपने आप में एक भक्ति है। वैष्णव शास्त्र का श्रवण करना, अध्ययन करना, तो यह भी एक साधन भक्ति का अंग है। ऐसा नहीं है कि एक ज्ञान का अंग है, यह भी भक्ति का ही अंग है, साधन भक्ति का एक अंग है। तो यह अपने आप में भक्ति है। और यहाँ कई एक साल से चर्चा हो रही है, हमारा कोई इसमें भक्ति रसामन सिंधु के प्रति झुकाव नहीं है। वो राजेश जी बहुत जोर देकर के कई एक बार कहे, डॉक्टर साहब की इच्छा से इसको प्रारंभ किया गया और कुछ कुछ चर्चा हुई। चैतन्य चरितामृत भी पिछले साल हुआ था और आगे कभी कुछ अवसर आएगा तो जैसा आप लोग निर्धारित करेंगे उसके अनुरूप हम लोग सामंजस्य करने का प्रयास करेंगे। तो भले ही ये छोटा सत्र है, लेकिन बहुत अच्छा लगा। काफी भक्त लोग आए, यहाँ के भी भक्त आए, आस पास के भी भक्त आए, और खास करके अनंत कृष्ण महाराज की उपस्थिति है, तो इनका उपस्थिति मात्र ही इस आयोजन का बहुत भारी शोभा है, इस सेंटर का बहुत भारी शोभा है। और यहाँ केवल उपस्थित रहना ही वक्ता का बहुत भारी सम्मान है। इनका जो पोजीशन है, तो केवल यहाँ उपस्थित रह जाना ये बहुत भारी सम्मान है। तो हम आप सब लोगों के प्रति आभारी हैं, खास करके अनंत कृष्ण महाराज के प्रति विशेष रूप से आभारी है। हरे कृष्ण महाराज जी, आप निवेदन में तो विश्वास रहेगा तभी तो निश्चिंतता आएगी। थोड़ा सा जो सत्य में विश्वास, हाँ यही बात नहीं समझ आए है ना, किस चीज का विश्वास कि भगवान भरण पोषण करे ना, यह आत्मनिवेदन नहीं है, ये तो सत्य में आ गया ना। अब बैल को बेच दिए तो आप निश्चिंत तब होते हैं जो अच्छा से खिलाएगा। और बैल खरीद करके ले गया, वो खिला रहा है नहीं खिला रहा है,
उसकी चिंता नहीं करते। और जब इस लेवल पर आ जाए, भगवान भोजन दे न दे उसमें कोई अंतर नहीं, उनकी इच्छा भोजन दे वो भी ठीक है और भोजन न दे वही मान, तब इसको आत्मनिवेदन कहेंगे। जब ये निश्चिंत तो हो गए कि भोजन मिलेगा ही, तब तो इंश्योरेंस कंपनी का शरण ले रहे हैं। अब भगवान के ऊपर क्या व्यवहार करेंगे, जब इस लेवल पर आ जाए एकदम कुछ चिंता न करे तब इसको आत्मनिवेदन कहा जाए। इसी से इसको थोड़ा कठिन कहा गया है, कोई कोई इसका अभ्यास कर पाते हैं, विश्वास रहेगा। प्राय प्राय भगवान करते ही है, लेकिन क्या पता को क्या करेंगे, बहुत भारी भारी संकट में भी डाल देते हैं। लेकिन अब जो उनकी इच्छा, अब बैल को बेच दी वो जैसा व्यवहार कर और शरीर को भगवान को अर्पित कर दे, उनके जो इच्छा इसमें रोग दे हैं, भूखा मारे भोजन दे, इसका सौंदर्य बढ़ा, उनकी इच्छा खुद अपने तरफ से कुछ इच्छा न करने। समझ रहे हैं? हाँ, कठिन पहले ही कहा कि दो भक्ति थोड़ा कठिन है, सत्य और आत्मनिवेदन। एक ग्रंथकार ही लिखे हैं, जो हम ज्ञान और कर्म की बात करते हैं तो ज्ञान से मतलब अभिप्राय हम क्या सुनाते हैं? हम देखिए, ज्ञान का बहुत बहुत अभिप्राय है, खास करके इस ग्रंथ पर जो जीव गोस्वामी की टीका है। और उनका टीका है कि आत्मा परमात्मा का जो ज्ञान है तो यह तो भक्ति के अनुकूल ही है, इससे कोई बाधा नहीं। ये जो ब्रह्म और जीव का ऐक्य का ज्ञान है और उसको यहाँ कहेगा, यह नहीं होना चाहिए, इसका त्याग होना चाहिए, इससे आवृत नहीं होना चाहिए। और दूसरे जगह ज्ञान की बात है, जैसे हम शुरू में थोड़ी सी चर्चा किए थे कि ज्ञानम प्रयास मुदपास नमंत एव, और ज्ञान के प्रयास को दूर से ही त्याग करके जो केवल भगवान की कथा सुन रहा है तो अजित भगवान को उसके अधीन हो जाते। तो वहां ज्ञान का अर्थ किया गया है तीर्थ भ्रमण आदि, ये तीर्थ भ्रमण है, ये भी ज्ञान का साधन है। ज्ञान का मतलब होता है ज्ञायते अनेन इति ज्ञान, जिससे हम आत्मा के स्वरूप को समझें तो उसको ज्ञान है। तो आप गीता पढ़ेंगे तो वहां ज्ञान का एक लिस्ट दिया गया, कितना 13 साधन दिया गया, और मानित्वतम गीत्वम विविक्तते सेवित्वम, थोड़ा भोजन करना, एकांत में रहना, तो ये सबसे आत्म साक्षात्कार होता है। तो अलग अलग ज्ञान का अर्थ किया गया है। यहाँ जब ज्ञान कर्माद्य अनावृतम और जीव ब्रह्म के ऐक्य ज्ञान को ही ध्यान रखा गया, ठीक है। टाइम तो पूरा हो गया ना, कोई आवश्यक प्रश्न हो तो कारण कर सकते हैं, नहीं समाप्त किया है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। नारियल आप तो देखी ही हो, नारियल और नारियल में कोई कोई नारियल होता है कि ऐसे हिलाने पर डुक 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 बजता है। नारियल का स्वरूप है कि भीतर गोला है, और लेकिन गोला बहुत रेशा से बंधा होता है और खोलने में बहुत प्रयास करना पड़ता है ना, नुचते नुचते तब जाकर के पहुंचते हैं। और कोई कोई नारियल है एक सब रेशा अपने से टूट गए,
वो जो डुक 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 बजता है तो गोला अलग हो गया ना। तो मुक्ति तो प्राय प्राय देह के आवरण से दूर होने पर तब होता है। जो स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, ऊपर से जो कारण शरीर है, तो इसका आवरण खत्म हो जाए, बंधन खत्म हो जाए, तो उसको मुक्ति कहेंगे। लेकिन कभी कभी होता है कि इसी शरीर के अंदर है लेकिन बंधन नहीं है, तो उस व्यक्ति को जीवन मुक्त कहा जाए। जैसे जनक जी थे तो राजा थे, गृहस्थी में थे लेकिन किसी बंधन में नहीं थे। तो शरीर के अंदर रहते हुए और सब प्रकार से बंधन से जो मुक्त है तो उसको जीवन मुक्त कहा जाए। प्राय प्राय मरने के बाद मुक्ति मिलती है, लेकिन जो व्यक्ति इसी जीवन में मुक्त हो गए, भले शरीर के अंदर है लेकिन उसके बंधन में नहीं है। हाँ, कर्म बंधन से ऊपर हो जाता है, वासना से ऊपर हो जाता है और उसको जीवन मुक्त कहा जाता है। ब्रज में भक्ति का स्वरूप कैसे समझ सकते हैं? ब्रज में भक्ति का या भक्ति का स्वरूप या स्वरूप से भक्त का स्वरूप सिद्ध भक्त का पहचान। देखिए जो स्वरूप सिद्ध है तो अपने को छिपा करके रखते हैं। रागनुगा भक्ति की साधना है कि दो तरह से भक्ति करते हैं, बाहर श्रवण कीर्तन करते हैं और भीतर अपने सिद्ध शरीर से भक्ति करते हैं, लेकिन अपने सिद्ध शरीर का प्रकाशन नहीं करते हैं, बल्कि और उसको ढकने के लिए रखते हैं। उनका व्यवहार एकदम नौसिखुआ भक्त जैसा होता है और उसको जानना थोड़ा कठिन होता है। लेकिन अब कस्तूरी को कितना हूँ कपड़े में लपेट करके रखी है तो उसका गंध तो कुछ बाहर आ ही जाता है ना। तो कुछ कुछ लक्षण है कि उससे पता चल जाता है। अब सिद्ध भक्त का हम ठीक से आशय नहीं समझ रहे हैं। भाव जिसका सिद्ध हो चुका है तो उसका लक्षण नव दिया गया ने शांति विरक्तिर्मान शून्यता आशा बंद समुद्र नाम गाने सदा। और जिसका भाव सिद्ध हो गया है तो ये सब लक्षण आते हैं, प्रमाणिक लक्षण है। और कुछ बाहरी लक्षण भी होता है, उसका हृदय तो बहुत कोमल हो जाता है। और हृदय कोमल है तो उसका लक्षण आंख इत्यादि पर भी दिख जाता है। मन में जो भाव है तो शरीर पर उसका असर आ जाता है। यहाँ तक कि संसार का जो भाव है काम क्रोध है तो उसका भी शरीर पर लक्षण आ जाता है। तो जो भाव सिद्ध है या स्वरूप सिद्ध भक्त है तो उनका जगत में कोई रुचि नहीं होता है, वो तो अपने स्वरूप में निमग्न रहते हैं। अब जगत के व्यवहार से वे प्रभावित नहीं होते, वे अपने स्वरूप में मग्न है, कुछ पता ही नहीं चलता है, उनको अनुसंधान ही नहीं होता है। प्रहलाद महाराज को तो कितना कितना कष्ट दिया गया, पहाड़ के ऊपर से फेंका जाता था, लेकिन उनको यही लगता था कि कोई हमको गोद में उठा लिया। उनका लक्षण दिया गया है कि उनको बाह्य संसार का अनुसंधान नहीं रहता। जगत के व्यवहार से थोड़ा भी उन पर प्रभाव नहीं पड़ता, वो अपने स्वरूप में मग्न है। और अब स्वरूप के
बोध हो गया है, स्वरूप की सिद्धि हो गई है, तो इतना आनंद में है कि अब संसार के तरफ ध्यान न जाना बिल्कुल स्वाभाविक हो जाता है। तो स्वरूप सिद्ध का पक्का लक्षण क्या क्या है इस विषय में अभी तो हम नहीं कुछ स्पष्ट रूप से कह सकते। भाव सिद्ध का लक्षण भक्ति रसामृत सिंधु में दिया गया, भक्ति का विश्वरूप है। हाँ, भक्ति का स्वरूप है यह अतरंगा वृत्ति की, अतरंगा शक्ति की वृत्ति है। और भक्ति अतरंगा शक्ति का वृत्ति है, यही इसका स्वरूप है। लेकिन उपाधि के भेद से वह भक्ति का अलग अलग विभाजन भी किया जाता है उपाधि के भेद से। जैसे किसी को हिंसा के लिए, किसी को कष्ट देने के लिए कोई भक्ति कर रहा है तो वह तामसी भक्ति कहा जाता है। और भक्ति तो तमोगुण की वृत्ति नहीं है, लेकिन उसको तामसी भक्ति कह देते हैं। इसलिए कि अब वैसा दिखता है, एक उदाहरण से समझिए कि पानी है और उसको एक गिलास में डालेंगे तो लाल जैसा दिखेगा, और दूसरे गिलास में उसी पानी को डाल दिए तो दूसरे रंग का दिखेगा। और कभी कभी लोग ऐसा कहते हैं लाल पानी दो, वो पानी तो एक है लेकिन उपाधि के भेद से वो परिलक्षित हो रहा है दूसरे रूप में। तो वैसे ही भक्ति तो अतरंगा शक्ति की वृत्ति है, लादनी शक्ति की वृत्ति है, लेकिन उपाधि भेद से तृतीय स्कंध में, भागवतम के तृतीय स्कंध में उसको तामसी, राजसी, सात्विक और निर्गुणा चार में कहा गया। भक्ति रसामृत सिंधु में साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। और भक्ति एक ही है लेकिन फिर भी उसका स्वरूप अलग अलग है। उदाहरण से समझाया गया इस बात को कि जैसे आम का फल है, तो आम का फल तो एक ही है लेकिन अब कच्चा रहता है उसका स्वाद दूसरा है, और वही पूरा पक गया तो उसका स्वाद बिल्कुल बदल गया है। अब कच्चा आम को तो चटनी बनाने के लिए यूज करते हैं, वही पक गया तो उसका आमरस बनाते हैं, क्या क्या बनाते हैं। तो आम तो है एक ही लेकिन उसके स्वरूप में अंतर है ना। तो उसी तरह भक्ति तो तत्वतः भगवान की अतरंगा शक्ति की वृत्ति है, लादनी शक्ति की वृत्ति है, लेकिन अवस्था के आधार पर उसको साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति के रूप में वर्गीकरण किया जाता है। ये श्लोक के संदर्भ में बताइए, उत्पन्ना द्रव्य शाम वृद्धि करना, उत्पन्ना द्रव्य शाम वृद्धि करना टके गता सुखी सुखी महाराष्ट्र गुजरा जीर्णता लता वृंदावन पुनः प्राप्य रवि लेव शुरू पुण्य। वृंदावन पुनः प्राप्य मतलब भक्ति का मूल स्थान वृंदावन फिर से प्राप्त, वृंदावन के बाद हाँ पहले उसका उच्च तो वृंदावन से ही। यहाँ वृंदावन में लवीन स्वरूप में रहते तरुणी हो गई, नवीन हो गई, उधर थोड़ा शिथिल थे, जागरूक एक्टिव है पूरा। गुजरात से गुजरात जीर्णोत्तान करता इसे क्या मतलब? इस विषय पर तो हमारा कोई अध्ययन नहीं है, लेकिन अब जीर्ण व्यक्ति हो जाता है थोड़ा शिथिल हो जाता है ना। इस अर्थ में अब क्या प्रमाणिक अर्थ है हम इस विषय में नहीं कुछ कह सकते, क्योंकि हम मेरा अध्ययन नहीं है इस विषय। बहुत ही सुंदर, जैसे कि
महाराज बताए कि बहुत कम समय के हुए भी बहुत सारे सुंदर शिक्षाएं हम भक्तों के लिए साधकों के लिए प्राप्त हुई। और सबसे बड़ी बात कि जब महाभागवत के बीच में कोई कथा कोई वार्ता होती है तो हम जैसे भक्तों को बहुत सी बातें बिना प्रयास के ही जानने और सुनने को प्राप्त हो जाता है। जैसा कि महाराज जी का प्रश्न महाराज जी के द्वारा आंसर, इसमें हम लोग को बहुत सी बातें सीखने जानने को प्राप्त हुई। तो हम सभी महाराज जी के विशेष आभारी हैं और जिनके कृपा से हम लोग भक्ति रसाम की सिंधु जो कि बहुत ही टॉप ग्रंथ है और घर बैठे ही हम लोग बहुत सुंदर तरीका से श्रवण कर रहे हैं और समझ रहे हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम सभी भक्त हृदय से महाराज जी के आभारी हैं और महाराज जी के हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साथ ही साथ श्री होलीनेस अनंत कृष्ण स्वामी महाराज जी का भी हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। महाराज जी की बहुत विशेष कृपा रहती है, जब भी आते हैं इस क्षेत्र में तो महाराज जी जरूर यहाँ पर वो आते हैं और अपना समय प्रदान करते हैं। तो मुखारविंद से हम लोग कुछ कथा का श्रवण करते हैं, महाराज जी का भी हम हृदय से स्वागत करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साथ ही साथ बहुत ही दूर दूर से, जैसा कि कल हम सामने सब बताए थे, जो भी वैष्णव भक्त बाहर से आए हैं इस कथा का लाभ ले रहे हैं और हमारे इस सेंटर की शोभा को बढ़ा रहे हैं, तो इन सारे भक्तों का भी हम लोग महामंत्र सम्मान इतना व्यक्त करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साथ ही साथ जो हमारे इस नामवर सेंटर की प्रसारण टीम है, जगव्रत प्रभु जी, धर्मात्मा दास, भानु प्रभु, प्रताप प्रभु और भी कई भक्त हैं जो कि बड़ी तन्मयता के साथ कंटिन्यूअस तीनों टाइम प्रसाद सेवा दे रहे हैं भक्तों के लिए। और इस प्रसादम सेवा को जो ऑर्गेनाइज कर रही हैं गम प्रसाद के धर्म प्रमुख रीता माता जी, बहुत ही सुंदर तरीका से इस बार सुमित प्रभु जी नहीं समय दे पाए, माता जी ने बहुत ही सुंदर तरीका से इस प्रसादम टीम को व्यवस्थित किया और सभी भक्तों के लिए जो सुंदर तरीके से प्रसादम सब हो पा रहा है, तो माता जी के भी हम विशेष आभारी हैं और बाकी प्रसादम टीम। साथ ही साथ ब्रजभूषण दास जो कि इस सेंटर के पुजारी भी हैं और जो डेकोरेशन आप देख रहे हैं ठाकुर जी की सुंदर शिल्प उपाधि की, कि उनके प्रयास से संभव हो पाया है, तो उन भक्तों का भी हम हरे कृष्ण महामंत्र सम्मानित करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये माता जी क्या नाम बताए हम बोल रहे हैं, झोली माला एक माता जी का आया है आज है जिनका है भक्त दिए राधा कौन है आज ही महाराज के हाथ से और आज का जो मेरी तो इच्छा नहीं थी लेकिन डॉक्टर प्रभु की इच्छा थी, नहीं अनाउंसमेंट कर दीजिएगा आज का जो प्रसाद सेवा है इस दास के द्वारा है। जब पहले से करते हैं कि अभी चालू करना है,
पकड़ना जानते हैं माला को, नो तीन अंगुली से पकड़ना होता है, इस अंगुली को माला से बाहर रखना होता है, इसी से झोली में व्यवस्था है बाहर, और जप करना चाहिए अच्छा से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। अब आज ही से महाराज जी की कथा वो सुना मड़ा में प्रारंभ हो गई व्यापार से, तो सारे भक्त आमंत्रित है मड़ा के लिए, जो भी चलना चाहे चल सकते हैं, सभी लोग प्रसाद।